अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी न्यू रोडें बनी है टाउन की, देखें। आज मैं वॉक के लिए निकली थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर किया जाए। वैसे तो हम रोज़ाना निकलते हैं, चलें मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये। सुबह 7 बज गए हैं। आ जाएं जिस जिसने नाश्ता करना है मेरे साथ। आज करवाई ऊपर की सफाई, साफ आसमान, बहुत सख्त गर्मी है। ये देखिए तो किस मौसम के अंगूर लगे हैं, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी साबुत मसूर की दाल। दाल को मैंने अच्छी तरह साफ करके धो लिया है, इसको हम भिगो के नहीं रखेंगे। जिसके लिए मुझे चाहिए प्याज, टमाटर, कुछ हरी मिर्चें और लहसुन। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है, ये पेस्ट अब मैं इसमें डाल दूँगी। कुकर में बनाने लगी हूँ मैं दाल, इसके बाद जाएंगे मसाले। नमक चला गया इसमें 1.5 चम्मच, और ये 2 से 2.5 चम्मच, और ये इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, गरम मसाला अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, वो बाद में मैं डालूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, 2 से 3 गिलास पानी तकरीबन। इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूँगी अब सीटी पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बाद में। देखिए कुकर मैंने अब बंद कर दिया है, इसको मैं 20 से 25 मिनट बाद खोलूँगी। ये देखिए जी, दाल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, इसमें जाएगा धनिया, अब दाल को मैं लगाऊंगी तड़का, ये लहसुन और प्याज का। इनको मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी, फिर मैं डालूंगी इनको। ये देखें इस कलर के प्याज हो जाएं तो फिर आप तड़का लगाएं दाल को। देखो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, इसकी फाइनल लुक देखें। मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।